दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पाई कैमरा। तो आज हम पाई कैमरा को रास्पबेरी पाई पे अटैच भी करेंगे और उसके साथ वर्क करना भी सीखेंगे। तो चलते हैं। दोस्तों, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है पाई कैमरा और इसको हम अटैच करेंगे रास्पबेरी पाई पे। रास्पबेरी पाई में जो ये स्लॉट दिया हुआ है, यहाँ पर ये डायरेक्ट अटैच हो जाता है, तो इसको हम अटैच करते हैं। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये पाई कैमरा है और इसको अगर हम पलटते हैं तब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सिल्वर कलर से लाइनें बनी हुई है। रास्पबेरी पाई पे जो स्लॉट है इसको हम ऊपर करते हैं। ये ब्लैक वाला जो कैप दिया हुआ है उस वो ऊपर होता है, और इसको ऊपर करने के बाद ये ऐसे इसको हम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ये अटैच होने के बाद हम इसको प्रेस कर देते हैं। तो ये अब हमारा रास्पबेरी पाई जो कैमरा है वो अटैच हो चुका है, और अब इसको हमें अपने रास्पबेरी पाई पे कैमरा मॉड्यूल को इनेबल करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हम इसे एक पिक क्लिक करके चेक करते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। दोस्तों, मैंने इसमें पावर सप्लाई दे दी है। अब हम इसको अपने लैपटॉप से इसको एक्सेस करते हैं। सो दोस्तों, मैंने अपने रास्पबेरी पाई को कनेक्ट कर रहा हूँ। ये रास्पबेरी पाई कनेक्ट हो चुका है और हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अब हमें सबसे पहले तो कैमरा मॉड्यूल को इनेबल करना पड़ेगा, तो हम टर्मिनल में जाकर कमांड लिखते हैं, सुडो रास्पी कॉन्फिग। अब यहाँ से हमको इंटरफेसिंग ऑप्शन में जाना है और यहाँ से कैमरा पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको इनेबल करना है। यस, ओके, और इसको फिनिश कर देना है। अब ये पूछा है, वुड यू लाइक टू रिबूट नाउ? यस। रिबूट करने पर ये डिसकनेक्ट हो जाएगा, तो इसको हमें फिर से रिकनेक्ट करना पड़ेगा। सो दोस्तों, यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल अपना इनेबल हो चुका है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक कमांड लिखेंगे, रास्पी स्टिल हाइफन ओ, और आगे हमें उस इमेज का नाम लिखना है जो कैमरा क्लिक करेगा। तो हम उसका नाम टेक डॉट जेपीजी दे देते हैं और मैं इसको एंटर करता हूँ। सो दोस्तों, आप देख सकते हो कि जो हमारा कैमरा अटैच किया हुआ है और वो ऊपर की ओर है, ऊपर छत है और छत में पंखा लगा हुआ है। तो हम जब इस पे एंटर करेंगे तब हमारी पंखे की इमेज कैप्चर होगी। तो हम यहाँ पर इसको एंटर करते हैं। और ये डन हो चुका है। तो अब हम चलते हैं फोल्डर में जहाँ इसने फाइल क्रिएट की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ टैग डॉट जे पी जी फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसको हम ओपन करते हैं और ये देखिए, इसने फोटो क्लिक कर ली है और इसमें कुछ मेरा फेस आ रहा है और फैन आ रहा है और जो हमारी सीलिंग है वो शो हो रही है। तो इसका मतलब कि ये परफेक्ट वर्क किया है। दोस्तों, अब हम पाइथन में प्रोग्रामिंग करेंगे और प्रोग्रामिंग के थ्रू फोटो क्लिक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पाई कैमरा की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी पाइथन के लिए। तो सबसे पहले हमें टर्मिनल में जाना पड़ेगा और अब यहाँ पर हमें कमांड लिखनी पड़ेगी जिससे वो पाई कैमरा की लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी। तो अब हम यहाँ पर कमांड लिखते हैं, sudo apt get install python pycamera।
दोस्तों ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम पाइथन की कोडिंग करेंगे। तो पाइथन की कोडिंग हम यहाँ प्रोग्रामिंग में जाएंगे और थोनी पाइथन आईडी जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है उसमें हम पाइथन की कोडिंग करेंगे। तो हमने जो लाइब्रेरी इंस्टॉल की है पाई कैमरा की, उसको सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं। हम जिस रिजोल्यूशन पे पिक्चर क्लिक करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि उसकी विड्थ 800 हो और हाइट 600 हो, तो मैंने ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है। अब हम कैमरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं पाई कैमरा क्लास का। पाई कैमरा डॉट पाई कैमरा। अब हमें इसको रिजोल्यूशन देना पड़ेगा, तो हम इसको रिजोल्यूशन देते हैं कैमरा डॉट रिजोल्यूशन इक्वल टू विड्थ हाइट। अब हम इसको कैप्चर करेंगे, तो हम यहाँ पर हमने लिखा कैमरा डॉट कैप्चर। अब ये कैमरा कैप्चर करेगा, लेकिन वो फाइल हमें कहाँ स्टोर करनी है और उस फाइल का नाम क्या होगा, उसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। फाइल नेम का मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, इसका हम नाम देते हैं माई फर्स्ट पिक डॉट जेपीजी, और हम इसको असाइन कर देते हैं। तो दोस्तों मैं अब इसको सेव कर रहा हूँ और इसका हम माई कैमरा डॉट पाई नाम से सेव कर रहे हैं। ओके करते हैं, ये सेव हो चुका है। अब हम इसको रन करते हैं। तो मैं टर्मिनल पे जाता हूँ और टर्मिनल में कमांड लिखते हैं पाइथन, और मेरी फाइल का नाम है माई कैमरा डॉट पाई, उसको हम कॉल करते हैं माई कैमरा डॉट पाई। अब इसको एंटर करने से पहले मैं कैमरे को अपने तरफ कर देता हूँ ताकि ये मेरी पिक क्लिक करे। अब जैसे इसने सक्सेसफुली ये कोड रन हो चुका है और इसने मेरी पिक क्लिक भी कर ली है और उसका नाम होगा माई फर्स्ट पिक डॉट जेपीजी। तो अब हम फोल्डर में चलते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि माई फर्स्ट पिक डॉट जेपीजी का यहाँ पर फाइल बन चुकी है। इसको हम ओपन करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी पिक इसने क्लिक कर ली है। सो गाइस, कैसा लगा ये हमारा फर्स्ट पाइथन कोड जिसमें हमने पाई कैमरा के साथ हमने वर्क किया है। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे अपने रास्पबेरी पाई से मेम्ब्रेन की पैड कैसे अटैच कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।